गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दसवीं कक्षा में पत्र लेखन के बारे में बता रहा हूँ। मैंने नौवीं कक्षा में पत्र लेखन लिखने का तरीका बताना आरंभ कर दिया है और नौवीं और दसवीं कक्षा दोनों में पत्र लेखन की आवश्यकता होती है, तो नौवीं और दसवीं कक्षा दोनों के लिए एक ही सिलेबस में हम बताएंगे या फिर लिखा रहे हैं तो आप में पढ़ेंगे। तो नौवीं कक्षा में मैंने पत्र लेखन की आवश्यकता, पत्र लेखन कैसे किया जाता है इसके बारे में बताया है। पत्रों के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में किसी व्यक्ति के साथ संबंध होता है और उससे संबंधित हम पत्र लिखते हैं। इसमें अधिकतर कार्यालय संबंधी पत्र लिखे जाते हैं, चाहे वह विद्यालय का कार्यालय हो, प्रखंड का कार्यालय हो, या जिला कार्यालय हो, या संपादक का कार्यालय हो। इसमें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं और उस औपचारिक पत्र में अपनी समस्याओं, आवश्यकताओं का वर्णन करते हैं और उसका समाधान पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र जो होता है वह किसी व्यक्ति से संबंध के साथ साथ आत्मीय संबंध होता है और ऐसे पत्र जो है सगे संबंधियों के पास लिखे जाते हैं। उसमें आपको कई तरह के पत्र होते हैं, पिता के पास पत्र होता है, भाई के पास पत्र होता है, बहन के पास पत्र होता है, इष्ट मित्रों के पास पत्र होता है, निमंत्रण पत्र होता है, ये सभी पत्र उसमें आते हैं। आज मैंने आप लोगों को नौवीं कक्षा में जो औपचारिक पत्र लेखन की विधि, उसके नियम बताए हैं वह आप लोग भी पढ़ेंगे। मैं दोनों कक्षाओं के लिए जो नियम बताए हैं उसको आपको, इसका वीडियो जो है कि आपको डाल दिया जाएगा, आप उसको आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर पत्र लिखने का प्रयत्न करेंगे। आगे भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। कल मैं आप लोगों को अनौपचारिक पत्र लिखने कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बताऊँगा।